दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो अपने नब्बे दिन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है यानी यहाँ से ये युद्ध विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है या फिर यह इसका अंत हो सकता है यानी बस अब युद्ध नहीं होगा जो भी हुआ अभी तक ठीक है बिकॉज दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस युद्ध में अजरबैजान को तुर्की पाकिस्तान सीरिया लीबिया के आतंकवादी ये सारे मिलकर सपोर्ट कर रहे थे तुर्की ने अपने कई सारे हथियार भी इस युद्ध के लिए अजरबैजान को दिए लेकिन वहीं अगर बात करें आर्मेनिया की तो उसे मॉरली तो सब लोग सपोर्ट कर रहे थे लेकिन सैन्य मदद उसको किसी ने नहीं की हालांकि खबरें कुछ ये आई थी कि ईरान के रास्ते रशिया ने कई सारे हथियार उसे भेजे हैं कुछ ट्रक भी कैप्चर हुए थे कैमराज में लेकिन दोस्तों फिर भी जो हथियार उसे मिले हैं वो वो लेवल के नहीं है जिससे इस युद्ध में जीता जा सके फिर भी आर्मेनिया ने काफी हद तक अपना जी जान लगाया और इस युद्ध में अकेला तीन चार देशों से लड़ा लेकिन दोस्तों इस बीच हुआ ये कि शुरुआती दो दिनों की पकड़ के बाद अजरबैजान ने इस युद्ध में वापसी करते हुए बहुत बड़े लेवल पर आर्मेनिया के ऊपर दबाव बना लिया था आर्मेनिया के कई सारे गांव बॉर्डर से जो लगे हुए थे उन्हें कैप्चर भी कर लिया कुल मिलाकर पंद्रह गांव थे जिन्हें कैप्चर किया था इसके बाद दोस्तों अजरबैजान ने किया ये कि उन लोगों ने आर्मेनिया के सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो डिस्प्यूटेड एरिया था नागोर्नो कारावाक वाला उस एरिया से लोग भागने लगे आर्मेनियन गवर्नमेंट को की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जो भी अठारह साल या उससे ऊपर वाले हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर रुके महिलाओं को और बच्चों को चाहे आप कहीं और डिप्लॉय कर दीजिए कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी लेकिन दोस्तों फिर आर्मेनिया ने अपना आखिरी वार चल ही दिया जिसमें अर्मेनिया ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गाजा पर एक जोरदार बड़ी मिसाइल का हमला किया एंड दोस्तों इस हमले के बाद सब कुछ पूरी तरह से पलट गया दरअसल आप स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं जो इमेजेस देख रहे हैं वो सारी एक्चुअल इमेजेस हैं और यही फोटोज को अजरबैजान के प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी और उन्होंने कंप्लेंट की थी कि भैया अर्मेनिया ने एक बहुत जोरदार मिसाइल हमला किया है हमारे शहर गाजा के ऊपर जिससे दोस्तों बड़ी मात्रा में इमारतों को नुकसान हुआ कई लोगों की जाने गई कई सारे व्हीकल्स यूँ ही जलकर खाक हो गए और दोस्तों पूरे शहर में इवन पूरे अजरबैजान में इसके बाद एक दहशत की लहर दौड़ गई अब दोस्तों इसके बाद खबरें यह भी आई कि अजरबैजान की तरफ से ये कहा गया है कि किसी तरह से कुछ शर्तों के साथ इस युद्ध को यही विराम दे दिया जाए और सीज़ फायर की घोषणा कर दी जाए लेकिन आर्मेनिया शायद उन शर्तों से एग्री नहीं है मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या शर्तें होंगी लेकिन दोस्तों अगर इस तरह के हमले के बाद में तुर्की जो है वो बड़ा ही चालाक देश है साथ में पाकिस्तान और कई सारे आतंकवादी भी इनके साथ हैं कुल मिलाकर इनका कोई भरोसा नहीं इनका कोई ईमान धर्म नहीं तो हो सकता है ये लोग रिटालिट करने के लिए कोई बड़ा हमला आर्मेनिया के ऊपर कर दे अगर ये सारे देश मिलकर आर्मेनिया के ऊपर कोई बड़ा हमला कर देते हैं तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फ्रांस अमेरिका और रशिया जैसे देश डेफिनेटली आर्मेनिया के लिए पूरे लाओ लश्कर के साथ इस एरिया में आ जाएंगे और बहुत बुरी मार मारने वाले हैं तुर्की और अजरबैजान को अब आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर नीचे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिए